निवेदिता, भोजपुरी इंडस्ट्री का वो सुपरस्टार जिसके नाम से ही फिल्में चल जाती हैं, ये वो हैं जिन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री का अक्षय कुमार भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इनका जलवा तो ऐसा है जैसे साउथ की फिल्मों में रजनीकांत का है। कभी दिल्ली की गलियों में लिट्टी चोखा बेचने वाला ये शख्स आज भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। दरअसल हम जिसकी बात कर रहे हैं वो खेसारी लाल यादव है। बहुत कम लोग जानते हैं कि खेसारी लाल यादव को शत्रुघ्न यादव के नाम से भी जाना जाता है। खेसारी का लोगों में ऐसा क्रेज है कि वो जो करते हैं उनके फैंस उसे हाथों हाथ लेते हैं। खेसारी लाल यादव को बॉडी बिल्डिंग का भी काफी शौक है। इसके लिए वो अपना अच्छा खासा समय जिम में बिताते हैं ताकि अपनी बॉडी को मेंटेन रख सके। उन्हें गाने और बाइक का भी काफी शौक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्टार बनने से पहले आपके पसंदीदा स्टार खेसारी लाल यादव ने काफी संघर्ष किया है, इसके बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आइए जानते हैं उनका लाइफस्टाइल और कैसा रहा उनका बीता जीवन। खेसारी लाल यादव बिहार के छपरा से हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिंग करने से पहले वो गाने गाते थे। हालांकि उनके कई गाने नहीं पसंद किए गए, लेकिन भौजी केकरा से लड़प पिया अरब गैले ना, इस गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। एक टाइम ऐसा था जब खेसारी लाल यादव परिवार का पेट पालने के लिए दिल्ली केक मिल में धागा काटने का काम करते थे, लेकिन इसी दौरान घर वालों ने उनकी शादी करा दी, जिसके बाद खर्चा और बढ़ गया। तो उन्होंने दिल्ली के ओखला के संजय कॉलोनी में लिट्टी बेचने का काम शुरू किया। ये काम ठीक ठाक चल रहा था, पत्नी भी उनका हाथ बटाती थी, लेकिन तभी उनकी नौकरी BSF में लग गई। लेकिन उनका मन नौकरी में नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके मन में तो फिल्म स्टार बनने का ख्वाब था। थोड़े पैसे बचाकर खेसारी लाल जॉब छोड़कर दिल्ली आ गए। उन्होंने अपने गाने का पहला एल्बम लॉन्च किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। माल भिटाई मेला से खेसारी लाल यादव की पहली फिल्म साजन चले ससुराल थी, जिसके लिए उन्हें केवल 11,000 रुपए फीस मिली थी। लेकिन ये फिल्म हिट साबित हुई और उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। बता दें कि जिस तरह बॉलीवुड में अक्षय कुमार एक साल में 4-4 फिल्में करते हैं, उसी तरह खेसारी लाल यादव भी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक साल में 5-6 फिल्में लेकर आते हैं। तभी तो लोग उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री का अक्षय कुमार कहते हैं। बता दें कि खेसारी बचपन में रोज गांव में भैंस चराने जाया करते थे, लेकिन बाद में सब कुछ छोड़कर उनके पिताजी दिल्ली आकर चने बेचने लगे, और वो भी अपने पिताजी के साथ आ गए थे। किसने सोचा था कि गलियों में लिट्टी चोखा बेचने वाले खेसारी लाल आज करोड़ों के मालिक हैं। बताया जाता है कि पहली फिल्म के लिए 11,000 रुपए लेने वाले खेसारी को आज एक फिल्म के लिए 40,00,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा खेसारी अपने स्टेज शोज और एड्स के लिए भी काफी फेमस हैं, जिससे वो काफी मोटी रकम कमा लेते हैं। खबरों की माने तो स्टेज शोज और अपने गानों से वो लगभग 1-2 करोड़ रुपए कमाते हैं। वहीं एक एड के जरिए उन्हें 50,000 रुपए मिलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पटना में खेसारी लाल यादव का आलीशान बंगला है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा उन्हें गाड़ियों का भी काफी शौक है। कहा जाता है कि खेसारी के पास फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ी भी है। खेसारी 12 करोड़ रुपए के मालिक हैं। कहना गलत नहीं होगा कि खेसारी लाल यादव के पास वो सब है जिसके एक टाइम पर वो सपने देखा करते थे। तो ये थी खेसारी से जुड़ी खबर। वैसे आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।